अभी हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक छोटी सी नाटिका, गलती किसकी। गलती किसकी यह नाटिका आधारित है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली बेवकूफ़ियों पर। इस नाटक में आपको वही दिखाया जाएगा जो हम अपने जीवन में रोज़ अनुभव करते हैं। इस नाटक से भले ही आपको कोई सीख मिले ना मिले, पर मैं चाहूँगी कि इसे ज़्यादा गंभीरता से न लेते हुए इसका आनंद उठाए। इस नाटक का वास्तविक घटना एवं किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इस नाटक को सादर करेंगे हमारे संस्था के कुछ हुनरबाज। ये रहा उनका पात्र परिचय। टीवी एंकर के रूप में आएगी श्रीमती नम्रता गायकवाड़। बेरोजगार बने हैं डॉक्टर विक्रम लांजेकर। रिपोर्टर बने हैं श्री प्रणव क्षीरसागर और उनका साथ देगी कैमरा वुमन श्रीमती रूपाली बाम्बे। पुलिस वाला का किरदार निभा रहे हैं श्री महादेव डावरे और शराबी बने हैं श्री शैलेश वाघमारे। फल विक्रेता का किरदार निभा रहे हैं सुभाष गायकवाड़ और हमारा तुम्हारा यानी कि आम आदमी का रोल निभाएंगे डॉक्टर रविंद्र वाघोले। मार्गदर्शन करेगी डॉक्टर अश्विनी मिसार और सूत्र संचालन करके इन सबको नचाऊंगी मैं यानी कि श्रीमती रोहिणी लोंडे। सो प्रस्तुत है गलती किसकी का पहला दृश्य। नमस्कार, दोपहर के 2 बजे है। मैं हूं नम्रता। देखते हैं अब तक की ताजा खबरें। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है कोविड-19 वायरस का खतरा। सभी देशों में लॉकडाउन की घोषणा की है। हमारे देश में भी प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड वैक्सीन का परीक्षण शुरू। पुणे के अघाकर अनुसंधान संस्थान में कोविड-19 टेस्टिंग की सुविधा शुरू और कोविड योद्धाओं के लिए सैनिटाइजर का वितरण। कोविड महामारी की वजह से बेरोजगार युवाओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी। खबरें विस्तार से देखने से पहले अभी अभी हमारे सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। डेक्कन के पास एक शख्स बिल्डिंग से कूदकर जान देने की कोशिश कर रहा है। घटनास्थल से हमारे रिपोर्टर श्री संजीव खांडेकर जुड़े हैं। सीधा उनके पास ले चलते हैं। हेलो 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 संजीव जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? हाँ मैडम, हाँ आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। संजीव जी आप बताएं वहाँ क्या हाल है? जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्डिंग के छत से दिन दहाड़े एक आदमी कूदने जा रहा है। क्या कर रहा है हमारा प्रशासन? क्या इस तरह सुरक्षित रहेंगे लोग? अरे आप लोग यहाँ कैसे आ गए? लिफ्ट से। अरे पर आपको किसने बताया कि मैं बिल्डिंग से कूद रहा हूँ? जहाँ पहुँचने में सब हो जाते हैं फेल, वहाँ पे पहुँचता है अब तक न्यूज चैनल। कौन सा न्यूज चैनल? अब तक न्यूज चैनल सबसे तेज। तो बताइए आप बिल्डिंग से क्यों कूद रहे हैं? क्या बताओ भाई साहब, इस कोविड की महामारी में मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। मेरी नौकरी चली गई, अब तक मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही। आप मर जाएंगे तो नौकरी का क्या करेंगे? अरे नौकरी नहीं है इसीलिए तो मैं मर रहा हूँ। तो मरने से क्या मिलेगा? कब तक मैं अपने घर वालों पे बोझ बनता रहूंगा? मेरे मरने से उन्हें कुछ मुआवजा तो मिल सकता है? भाई साहब ये आपका भ्रम है। फल ले लो फल, ताजा ताजा फल। फल ले लो फल, ताजा ताजा फल। केला लो, अमरूद लो, सेब लो। फल ले लो फल, ताजा ताजा फल। फल ले लो फल। जब हम जवा होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फिर याद करेंगे। ए केले वाला यहाँ। हाँ सर बोलिए। केले कैसे दिया? 100 रुपए दर्जन सर, 100 रुपए। इतना महंगा? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? पुलिस वाला हूँ। पुलिस वाला वर्दी नहीं पहनी तो क्या हुआ? 24 घंटे ड्यूटी पे रहता हूँ। अरे साहब मैं भी पहले एक मैनेजर था, लेकिन इस कोविड के दौरान बेरोजगार हो गया और ये फल बेचना रहा, अब क्या करे। वैसे भी आपको कहाँ देना है पैसा, वो आ रहा है आपका पैसा। थोड़ी सी जो पी है, चोरी भी नहीं की है। ए, दारू पी के आया क्या तू? सुना है साहब, सुना है कि दारू पीने से कोविड नहीं होता है। कोविड नहीं होता है साहब। ए चल पैसा निकाल चल। अरे साहब मेरे पैसा लेना है। अरे मेरे पैसे ले लिया यार, मेरा पैसा। मेरा नाम है इंस्पेक्टर कड़कड़े और मेरे आगे अच्छे अच्छे गिर पड़े। ए सर आप पुलिस वाले हैं? आपको कोई शक?
देखिए ना सर, ये न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं कि हमारे पड़ोस में एक आदमी खुदकुशी करने जा रहा है। देखिए ना सर, उसे बचाते हैं हम। चलिए, तुम्हें दिखता नहीं कि मैं ऑफ ड्यूटी हूँ। लेकिन सर, अभी अभी आपने कहा था कि आप 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं। एक मिनट, कहाँ मर रहे हैं वो बाजू वाले इलाके में ना? वो इलाका मेरे पुलिस थाने के अंदर नहीं आता है। कमाल की बात, तुम्हें जाना है तो वो इलाके के पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट लिखो। कमाल की बात है, आम जनता अच्छी तरह से जानती है पुलिस को, जो मौके का फायदा उठाने में माहिर होते हैं। लेकिन सर, अभी आपके हाथ में ज्यादा समय नहीं है, चलिए उसे बचाते हैं। ए, तुझे जाना है तो जा, तू चल निकल। ए, तू क्या देख रहा है? चल केला दे दे, चल। कहाँ का पैसा? चलो। तो आपकी मांग है आपको नौकरी दी जाए? हाँ। तो बताइए आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैंने इंजीनियरिंग किया है। तो तू बिल्डिंग से कूद ले। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इसका दिमाग खराब हो गए। इसने इंजीनियरिंग करके ये नौकरी की उम्मीद लगा रहा है, तो तू बिल्डिंग से कूद ही ले। अरे पागल हो गए क्या? उसे बचाते क्यों नहीं तुम? देखो, हमारा काम है न्यूज को कवर करना, इसे बचाना प्रशासन का काम है, हमारा नहीं है। अगर आपको ज्यादा चिंता है, आप बचा लीजिए। तो मुझे ही उसको बचाना पड़ेगा। अरे ये तो गिर गया। बचाओ, कोई है क्या? पुलिस। चलो बिल्डिंग के नीचे जाके देखते क्या हो गया उसके साथ। अब टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। गौर से देखिए इस आदमी को, इसने इस मासूम की जान ले ली है। तो तुमने जान ली इसकी? सर, मैंने नहीं मारा उसे, मैंने तो उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन सर गया मेरा पड़ोसी। रोने का बहाना करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें जो बताना है वो कोर्ट में बताना। लेकिन सर आपने तो थोड़ी देर पहले कहा था आप ड्यूटी पे ही नहीं है। अरे एक सच्चा पुलिस वाला हर वक्त ड्यूटी पे रहता है। लेकिन सर आपने ये भी कहा था कि ये आपका एरिया ही नहीं है। अरे ये सारे लोग मेरे हैं, ये देश मेरा है, और आप कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? और हम पुलिस वाले, मैंने एक बार कमिटमेंट कर ली ना, उसके बाद मैं खुद की नहीं सुनता। आज देश को ऐसे पुलिस वालों की जरूरत है जो अपना फर्ज निभाते बिना किसी परेशानी के। सर सच में मेरी कुछ गलती नहीं है, मैंने तो उसे बचाने की कोशिश की थी। जनता देख रही है, जनता जानती है गलती किसकी है, इसे हम समझाएंगे। तो चल मेरे साथ। दर्शकों, इस नाटक को भले ही आपने मजाक में लिए हो, लेकिन इसी वजह से आज हमारे देश में एक आदमी दूसरे आदमी की मदद करने से डरता है, सहायता भी नहीं करता है। पर क्या गलती सिर्फ इसी की है? इस बात को सोचिएगा जरूर। इस नाटक का समापन हम एक कविता के साथ करना चाहते हैं, जिसका टाइटल है हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। माना कि है अंधेरा बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना कि थक्के टूट रहे और सफर अभी दुर्गामी है, माना कि हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है, पर श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है,
सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष ज़रूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। Such a lovely skit. Please give a big round of applause to our staff members. क्या बात है, स्टाफ ने तो मंच पर आकर चार चांद लगा दिए। Well, indeed, it was a great skit with what an amazing message.